रेलवे बंगाल के लिए दो नई ट्रेनों का संचालन का सुविधा आज से दे रही है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में, क्योंकि यह ट्रेन क्यूल के रास्ते चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 03188 के साथ एक नई ट्रेन चलेगी और यह नई ट्रेन सियालदह के लिए चलाई जाएगी। 12 मई से इस ट्रेन का संचालन शुरू होगा, जहां पर कि 30 जून तक प्रत्येक रविवार को यह ट्रेन जयनगर से 3:25 पर दोपहर में प्रस्थान करेगी और यहां से खुलने के बाद मधुबनी, सकरी जंक्शन, दरभंगा, समस्तीपुर, बड़ौनी रुकते हुए अगले दिन सियालदह यह ट्रेन 5:15 पर पहुंचेगी। इसके अलावा दूसरे दिशा में यह ट्रेन 03187 के साथ 11 मई यानी कि आज से 29 जून तक चलाई जाएगी। प्रत्येक शनिवार को यह ट्रेन सियालदह से रात 12 बजे प्रस्थान करेगी, जो कि अगले दिन 8:55 पर बड़ौनी पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन समस्तीपुर 10 बजे और दरभंगा 11:10 पर, इसके अलावा सकरी जंक्शन 11:55 पर आएगी। यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन मधुबनी रुकते हुए दोपहर 2:25 पर जयनगर पहुंचेगी। ऐसे में दोनों ही दिशाओं में से ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है और इस ट्रेन के यात्रियों को क्या सुविधाएं मिलेगी इस ट्रेन में, आइए अब इस पर बात करते हैं। इस ट्रेन में यात्रा के दौरान एसी सेकंड टायर का 1 कोच, एसी थर्ड टायर का 5 कोच, स्लीपर का 10 कोच सहित साधारण श्रेणी का 2 कोच लगाए गए हैं। और अब चलिए बात करते हैं ट्रेन के रूट और स्टॉपेज के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया, यह ट्रेन जयनगर से खुलने के बाद मधुबनी, सकरी जंक्शन, दरभंगा, समस्तीपुर, बड़ौनी, क्यूल, झाझा, जेसीडी मधुपुर, चितरंजन, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान के रास्ते सियालदह को जाएगी। 615 किलोमीटर का सफर यह ट्रेन तय करेगी, जो कि बिहार से खुलेगी और झारखंड होते हुए यह ट्रेन बंगाल को जाएगी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।